आज मैं जा रही हूँ बनाने गाजर का हलवा। तो मैंने यहाँ पे गाजर लिए 1 किलो, छोटे छोटे पीस करके कुकर में डाला, 1 कप दूध डाला है, आधा स्पून घी डाल दिया है। अभी मैं इसमें विजल्स लगाऊंगी 6 से 7। अब मेरी कैरेट पक चुकी है, अब मैं इसके हल्के मैश कर दूंगी पूरी कैरेट। अब देख रहे हो कितने सॉफ्ट है। अभी आप देख रहे हो मेरे मैश हो रही है। ये क्या झटपट हो जाता है कैरेट का हलवा। यहाँ पे मैंने लिया 1 कप मिल्क पाउडर, अब इसमें डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे मिल्क कंटेनर लिया नेस्ले ब्रांड का, ये आधा मैं कैन डाल दूंगी। यहाँ पे मैं 1 कप दूध भी डाल रही हूँ और मेरा कंडेंसर मिल्क एक पूरा मैंने ली पूरा डिब्बा डाल दिया है। मुझे लगा आधा बस हो जाएगा, लेकिन मेरी गाजरें फीकी थी तो मैंने पूरा ही डाल दिया है। आप अपने स्वाद अनुसार शक्कर और कम ज़्यादा डाल सकते हो। यहाँ पे मेरा दूध सूख रहा है तो यहाँ पे मैंने दिया ड्राई पाउडर ड्राई फ्रूट्स का, इसमें बादाम काजू पिस्ता, और साथ में मैं ये डाल रही हूँ इलायची और ज़ैफ़रान का पाउडर, पिंच डालूंगी ये बस। और टेस्ट बढ़ाने के लिए ज़ैफ़रान के धागे भी डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं जा रही हूँ डालने ब्लैक रेडिश डाक जिसके कहते हैं, और मैं प्रेजेंटेशन से ज़्यादा स्वाद पर यकीन करती हूँ। तो आप सब बताओ प्रेजेंटेशन ज़्यादा है या स्वाद टेस्टी आना चाहिए, और मुझे यकीन है मेरा स्वाद 100% टेस्टी होता है। तो थैंक यू गाइस। अब मेरा गाजर का हलवा रेडी है सर्व करने के लिए।